हाय एवरीवन, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वीडियो जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे दोस्तों, उतने ज़्यादा आपका जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लाइक और कमेंट भी बढ़ेगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात जो है वीडियो अच्छी होनी चाहिए। वीडियो में अगर आप जितना अच्छा बोलते हैं, जितना अच्छा जो है वीडियो बना लेते हैं, उतना ज़्यादा जो है आपका वीडियो में व्यूज आएगा दोस्तों, और आपका वीडियो चलेगा तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको सबसे अच्छा बोलना आना चाहिए दोस्तों, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको यदि नॉलेज है और आप अच्छा बोल लेते हैं तो आपका वीडियो जो चलने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों होती है कि हिचकिचाहट। हम जो है वीडियो शूट करते हैं, कोई आ ना जाए, कोई हमें देख ना ले, कोई हमें सुन तो नहीं रहा है, और जो है कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, ये सब जो है समस्याएं होती है दोस्तों शुरू में जो है वीडियो बनाते वक्त। यदि आप जो है धीरे धीरे जब वीडियो बनाने लगेंगे तो आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं रहेगा दोस्तों। आप कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सुन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हम जो है अपना काम करेंगे और जो है अच्छी वीडियो बनाएंगे तो लोग जो है उसे देखेंगे दोस्तों, उस पर व्यूज आएंगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सेटअप चाहिए होता है दोस्तों। जैसे आप जो है अपना वीडियो एडिटिंग जो है मोबाइल में भी कर सकते हैं। मैं देखिए अपना मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करता हूं दोस्तों, और एक लाइट भी लगाया हूं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात होती है शर्मिंदगी वाली। आप बिना शर्मिंदगी की अपना वीडियो शूट कीजिए और जो है 100% आपके जो है वीडियो पर व्यूज आएगा दोस्तों। आपका वीडियो केवल नॉलेजबल होना चाहिए। अगर आपके वीडियो में नॉलेज है और आप अच्छे से बोल लेते हैं तो आपके वीडियो पर 100% व्यूज आएंगे दोस्तों। 100% गारंटी के साथ जो है आपका चैनल ग्रो होगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप अपने ऑडियंस को कितना जो है अच्छे से समझा पाते हैं, अपनी बात को जो है कितना अच्छे से उनके सामने रख पाते हैं। अगर लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा तो आपकी वीडियो को ज़्यादा देर तक देखेंगे तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा दोस्तों। तो ये जो है सबसे बड़ी बात होती है। तो समझाने के लिए जैसे आप नॉर्मली किसी अपने फ्रेंड्स को समझाते हैं, बैठा कर समझाते हैं या खड़े होकर समझाते हैं, तो उसी प्रकार से जो आप अपने कैमरे को जो है फ्रेंड्स मानकर समझाइए। आप अपने लेंस पर जो है कैमरे के लेंस पर फोकस करके जो है समझाइए दोस्तों, अपनी बात को पूरी डिटेल में समझाइए। जितना बढ़िया आप समझा लेंगे, जितनी बढ़िया आपकी नॉलेज होगी, उतना ज़्यादा व्यूज आएगा दोस्तों। अगर व्यूज ज़्यादा आएगा तो आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ेगा दोस्तों, आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, आप अच्छा पैसा जो है अर्न करने लगेंगे दोस्तों। गाइस यदि आप अपने वीडियो में जो है एक बार में नहीं बोल पाते हैं, दो बार में बोलिए, तीन बार में बोलिए, दोस्तों बार बार बोलते रहिए। जब तक आपका वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो जाता है, आप जो है रिपीट करते रहिए। धीरे धीरे आप जो है आपको बोलने की आदत पड़ जाएगी और आप अच्छे से बोलने लगेंगे दोस्तों। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप धीरे धीरे जब जो है बोलने लगेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है वीडियो अच्छा बनने लगेगा और आपके वीडियो को लोग जो है देखने लगेंगे दोस्तों। तो आप बिना घबराए, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए जो है वीडियो को बनाते रहिए और जो है थोड़ा सा बेहतर नॉलेज देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर बेहतर नॉलेज देते हैं तो आपकी वीडियो पे लाइक और कमेंट्स ज़्यादा आएंगे, तो आपका चैनल जो है जल्दी ग्रो हो जाएगा दोस्तों। गाइस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं किसी और नॉलेजबल वीडियो के साथ, तब तक के